स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात अमृतसर से आ रही बड़ी खबर की। अमृतसर में कांग्रेस की सभा में फायरिंग हुई है, कांग्रेस उम्मीदवार की रैली में फायरिंग हुई। गुरजीत सिंह औजेला की ये रैली थी जो चल रही थी, जिसमें गोली चली है। अजनाला में जनसभा के दौरान फायरिंग हुई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अमृतसर की, जहां पर फायरिंग का ये पूरा मामला सामने आया है। कांग्रेस की सभा में फायरिंग हुई है, कांग्रेस उम्मीदवार की रैली में फायरिंग हुई है। गुरजीत सिंह औजेला की रैली चल रही थी और इसी दौरान फायरिंग वहां पर देखने को मिली। अजनाला में जनसभा चल रही थी, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान गोलियां चली हैं। मामला क्या है, कौन लोग इसमें लिप्त हैं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। पर आपको ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अमृतसर में कांग्रेस की एक सभा आयोजित की गई जिसमें गोलियां चली हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए अमृतसर से। राजीव, कांग्रेस की सभा में फायरिंग का ये पूरा मामला सामने आया है, शुरुआती जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? जी देखिए, गुरजीत औजेला की तरफ से खुद इस बात का दावा किया गया है कि उनकी जनसभा में कुछ लोग पहुंचते हैं और इल्जाम उनकी तरफ से लगाया गया कि वो सरकार के यानी कि आम आदमी पार्टी के लोग थे। हालांकि इसकी जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहां पर जो गोलियां चली उसके जो खोल हैं वो दिखाए और एक शख्स जो है वो जख्मी भी हुआ और जख्मी जो शख्स है वो कार्यकर्ता बताया जा रहा है कांग्रेस का। और गुरजीत औजेला का कहना है कि ये गुंडागर्दी की गई है, हमारी जनसभा में आके पहले हंगामा किया गया, हमारे जो वर्कर हैं समर्थक हैं उनके साथ मारपीट करने के बाद जो है दो लोग उनका कहना कि गोली चलाने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, क्योंकि जब किसी भी उम्मीदवार की कोई जनसभा होती है तो पुलिस को इसकी पहले से जानकारी दी जाती है। इसके अलावा चुनाव आयोग की एक टीम जो है वो वहां पर मौजूद रहती है, सीसीटीवी कैमराज बाकायदा तौर पर वहां पर तैनात किए जाते हैं। तो पूरा अब जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिरकार कौन लोग थे गोली चलाने वाले, गोली चलाने के पीछे उनकी मंशा क्या थी। लेकिन एक तरफ चुनाव प्रचार जो है वो शिखरों पर है, चुनाव प्रचार में हर कोई जुटा हुआ है और उस जनसभा में इस तरीके से गोली चलना बड़ा अपने आप में एक बड़ी बात भी हो जाती है और बड़ा एक हैरान करने वाला भी मामला है। और 4:30 बजे गुरजीत औजेला जो है वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसकी जानकारी भी उनकी तरफ से खुद जो उनका एक सोशल मीडिया ग्रुप है उस पर इसकी सारी जानकारी साझा की गई है। और पुलिस अधिकारियों से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पूरा जो मामला है, पूरा घटनाक्रम है, उसके पीछे वजह क्या है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे।